मैम, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है? देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि सभी लोग यहाँ पे असुरक्षित हैं। हम खुद की बात करें, हमारा एक्सपीरियंस ये है कि सेफ है, पर ज़रूरी नहीं है कि सभी सेफ हो। मिडिल क्लास फैमिली और रिच क्लास फैमिली सेफ है, बट बात करते हैं बाकी लोगों की, जो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे अगर पुअर या बिलो पावर्टी लाइन वाले लोग हैं उनकी बात करें तो वो इनसिक्योर है और उनको सेफ यहाँ पर महसूस नहीं करते, क्योंकि आप रात में सड़कों पे नहीं निकल सकते हैं, ऐसे अकेले बिल्कुल नहीं निकल सकते हैं। अगर आप ऐसे टैक्सी में नहीं जा सकते तो बहुत सारे खतरे हैं, उन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को भी उस पे देखना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह ऊपर ऊपरी से अगर आप देखें तो सेफ़ हैं, बट अगर अंदर से आप रूट लेवल पे जाएं तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो वहाँ पे जाके काम करना ज़रूरी है। मैम, 2017 के बाद से कुछ बदलाव देखने को मिला है क्या महिला सुरक्षा को लेकर? जी, बदलाव तो देखा है मैंने, बहुत बहुत हम लोगों ने किया है, बट इतना रूट लेवल पे नहीं है। मैम, वर्तमान में महिलाओं की उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है? बहुत अच्छी है इस समय, भाजपा गवर्नमेंट में बहुत अच्छी है। मैम, क्या पहले अच्छी नहीं थी क्या? नहीं नहीं, पहले नहीं थी। क्या बदलाव देख रही हैं आप? अरे, हर चीज़ में बदलाव दिख रहा है मुझे तो। मैम, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को लेकर तमाम बातें कर रही हैं, वर्तमान में महिलाओं की क्या कुछ स्थिति है आप बताइए। देखिए, पार्टी कोई भी आए जाए, स्थिति वही है। अभी भी हम लोग को रोड पे चलने से पहले सोचना पड़ता है, रात हो जाए तो घर जाना पड़ता है, आप ऐसे कहीं भी आ जा नहीं सकते, ना बस ना ट्रेन ना कहीं पे भी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी की जितनी भी बात हो जाए ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ। चाहे लखनऊ में है, आप गोरखपुर में, बनारस में, हर जगह वही कंडीशन है। आपको आने जाने से पहले सोचना है इधर उधर, आपके लिए पहली बात तो वो तो आना जाना छोड़िए, आपके लिए फैसिलिटीज़ क्या हैं, सॉरी लेडीज़ के लिए आपको फैसिलिटीज़ नहीं, इतना बड़ा मार्केट है, अभी आप वॉशरूम खोजिए या कुछ ऐसी चीज़ें खोजिए जो नेसेसरी चीज़ें, वो तक आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। बाकी चुनाव तो आएगा जाएगा, लेकिन पहले ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए ना, तो इन सब चीज़ों का भी कोई यहाँ पे वो नहीं है। भाजपा तो कह रही है तमाम जगह पर शौचालय बनाए गए और महिलाओं की सुरक्षा पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर है, क्या 2017 के बाद से कुछ आपको बदलाव नज़र आया? अभी हम लोग लखनऊ के हजरतगंज में खड़े हैं, यहाँ कहाँ शौचालय, और है तो चल के वहाँ पे क्लीनिनेस देखा जाए कितनी सफाई है, उसकी भी तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। कुछ ऐसा नहीं है, कहना और करना दो अलग चीज़ है, और वही होता है यहाँ पर, चुनाव आते जाते रहेंगे, पार्टी 17 से 21, 22 सब हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा। देखिए, हम लोग हजरतगंज में खड़े हैं अभी यहाँ पर। अच्छा, कांग्रेस भी महिलाओं को लेकर एक कैंपेनिंग चला रही है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका कितना प्रभाव देखती हैं आप? है प्रभाव, मतलब कोशिश कर रही हैं लड़कियाँ भी, अब पहले से बाहर हो रहा है सब कुछ और अधिक हो रहा है, पर एकदम ग्रैंड लेवल पे तो अभी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, पर हाँ ट्राई कर रहे हैं सारे लोग थोड़ा थोड़ा। वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है? अभी मौजूदा सरकार में तो स्थिति काफ़ी सुरक्षित है, महिला अपने आप को कर रही हैं, किसी भी समय अगर निकल जाती है महिला तो इतना डर नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि 2017 से पहले जो है महिलाएं असुरक्षित थीं। हाँ, 17 से पहले बहुत डर था, बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते थे, इस 17 के बाद से काफ़ी जो सुधार हुआ है, काफ़ी अभी उसमें बहुत ऐसा कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है।